जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब तो जैसा कि आप जानते हैं कि एच पी जे वी टी का टैट जो है उसका एग्जाम एच पी बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है पंद्रह अक्टूबर दो हज़ार तेईस को तो जो भी कैंडिडेट प्रेपरेशन कर रहे हैं जे वी टी टैट की वो वीडियो के साथ जुड़े रहे क्योंकि इस वीडियो में हम प्रीवियस पेपर के इंग्लिश हिंदी एस एस टी और एच पी जी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि टैट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं पिछले एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर के तो वीडियो के अंतर बने रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो इंग्लिश वाले सेक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन यहाँ पर पूछा गया है ही डील्स डैश स्टेशनरी तो ऑप्शन दिए गए हैं विद एट ऑन या इन तो इसमें इन भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन यहाँ राइट आंसर होगा ही डील्स इन स्टेशनरी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू द टाइगर वाज किल्ड डैश द हंटर तो इसमें फिलअप्स जो भरा जाएगा बाई uh, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द टाइगर वाज किल्ड बाई द हंटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री है ही इज़ वीक डैश केमिस्ट्री तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं एट इन विद इन टू तो इसमें इन जो है हाँ, वो राइट आंसर होगा ही इज़ वीक इन केमिस्ट्री ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम्स ऑफ इज का यहां पर एंटोनिम काम होता है मानना तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा डिनाय ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए एंटोनिम ऑफ डॉन इज डॉन क्या होता है डॉन होता है भोर या प्रभात तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा डस्क सांझ ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग फॉर द गिवन एम्स यहाँ पर दी गई हैं तो सिक्सटी सिक्स में देखिए स्क्वेयर मील स्क्वेयर मील इडियम है तो इसका सही जो मीनिंग होगा वो होगा फुल मीन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा आगे एट ए स्टोन थ्रोन एट ए स्टोन थ्रो इसका जो मीनिंग होगा इडियम्स का वो होगा और शॉर्ट डिस्टेंस ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट द रन शॉर्ट ईडीएम्स का मीनिंग यहाँ पर होगा शॉर्टेज ऑफ समथिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा सिक्सटी एट का नेक्स्ट देखिए पिनप्रिक पिनप्रिक जो ईडियम है इसका जो सही मीनिंग वह होगा स्मॉल ट्रवल्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आगे सेवेंटी टू सेवेंटी वन यहाँ पर बोला गया है चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स बनने यहाँ पर सेवेंटी क्वेश्चन है ही इज डैश लॉयल नॉर फेथफुल टू मी तो यहाँ पर देखिए नॉर लगाओ तो नॉर जो फॉलो करता है नाइदर को ऑप्शन नंबर सी नाइदर यहाँ पर राइट आंसर होगा आगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन देखिए ही रनस मच फास्टर डैश रोहन तो इसमें देन हमारा राइट आंसर होगा टी एच एन ही रनस मच फास्टर देन रोहन आगे प्लूल ऑफ मीडियम यहाँ पर मीडियम का प्लूल पूछा गया, media, A, right हो गया है होगा मीडिया ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट में बोला गया सेवनटी थ्री टू सेवनटी फाइव चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गि अल्टरनेटिव यहां पर आर्टिकल्स यहां पर हमने फिल करने हैं सेवेंटी थ्री में ही इज डैश वन आइड पर्सन तो यहाँ पर ए आर्टिकल भरा जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा देखिए बन है तो देखिए ये बॉबल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन प्रोनाउन करने में बी के साउंड निकल रही है तो ए यहाँ पर आएगा एन नहीं आएगा आगे क्वेश्चन नंबर सेवनटी फोर आई रीड डैश इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पर देखिए आई रीड डैश इंडियन एक्सप्रेस तो द यहाँ पर राइट आंसर होगा आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस पेपर है ये आगे सेवेंटी फाइव में बनानास आर अवेलेबल एट सिक्सटी रुपीज डैश डजन तो इसमें आर्टिकल जो आएगा वो होगा ए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सेवनटी सिक्स में देखिए एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल हॉस्टाइल का यहां पर हॉस्टाइल होता है शत्रुतापूर्ण तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा फ्रेंडली ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट right आंसर होगा आगे देखिए सेवनटी सेवन टू सेवन एट चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव यहां पर सीनोनिम uh, यहां पर चूज करने हैं प्रोवी प्रोहिबिट प्रोहिबिट यहां पर देखिए प्रोहिबिट होता है निषेध होगा बैन ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट रिग्रेट रिग्रेट देखिए रिग्रेट होता है पछतावा तो फील सॉरी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में आगे देखिए भीमसीकल देखिए भीमसीकल यहां पर पूछा गया भीमसीकल होता है सनकी तो भीमसीकल का जो सिनोनिम uh, हो जाएगा वो होगा क्रेजी ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट में पूछा गया है इंटरमीटेंट इंटरमीटेंट होता है रुक रुक कर तो इसका सिनोनिम सही हो जाएगा पीरियोडिक ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसका राइट right आंसर है आगे नेक्स्ट में पूछा गया है ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी तो स्टर्बन जो होगा इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टर्बन भी जिद्दी होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर एट्टी टू कार्डिनल देखिए कार्डिनल क्या होता है कार्डिनल होता है प्रमुख या प्रधान तो चीप इसका सिनोनिम हो जाएगा मुखिया या प्रधान ऑप्शन नंबर ए यहां राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट uh, क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री टू एटी सिक्स चूज द अप्रोप्रियट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स पर भरने हैं यहां पर बर है। बोला गया है ही डैश चेंज हिज रूट और तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें मे जो है वो राइट आंसर होगा ही मे चेंज हिज रूट ऑप्शन नंबर सी एट्टी थ्री का राइट आंसर एट्टी फोर कैन दिस हैपन नो इट डैश तो यहां पर कांट सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कैन दिस हैपन नो इट कांट आगे 85 में देख लीजिए 85 फाइव आई विश यू डैश स्टडी साइंस आई विश यू डैश स्टडी साइंस तो इसमें वुड जो है राइट right आंसर होगा आई विश यू वुड स्टडी साइंस ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट में देखिए ही डैश मीट मी दिस मॉर्निंग तो यहां पर मस्ट हमारा राइट right आंसर होगा ही मस्ट मीट मी दिस मॉर्निंग ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर है आगे नेक्स्ट में देखिए एट्टी सेवन टू एटी एट चूज़ द वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड करेक्टली यहाँ पर देखिए करेक्ट स्पेलिंग हमने चूज़ करनी है डिसीव की यहाँ पर सही स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट right आंसर होगा डी ई सी ई आई वी ई ये इसकी सही स्पेलिंग है राइट right स्पेलिंग है आगे बिल फुल की देखिए बिल फुल की राइट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू आई एल एफ यू एल डबल एल नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट right आंसर होगा बिल फुल की नेक्स्ट एट्टी नाइन टू नाइन्टी चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इन डायरेक्ट फ्रॉम द स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच यहाँ पर है तो एट्टी नाइन क्वेश्चन में पूछा गया है ही सेज़ इन्वर्टर कॉमर्स यू आर नॉट काइन टू मी देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं चारों में ही इन्होंने टेल्स लगाया हुआ है यहाँ पर सेज होना चाहिए था तो ही टेल्स दैट आई एम नॉट काइंट टू हिम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ऑप्शन ये सही आंसर होगा ही टेल्स दैट आई एम नॉट काइंट टू हिम

तो तीन पुरुष आते हैं ऑप्शन नंबर सी 92 टू क्वेश्चन का सही आंसर आगे प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं प्रयोग की दृष्टि से शब्द हैं दो प्रकार के ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए ए जो है ये राइट आंसर होगा आगे देखिए कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है तो इसमें उल्लेख है पानी स्वाद और बोली के शब्दों का ऑप्शन नंबर डी नाइन्टी फोर का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव देखिए सही क्रम चुने तो इसमें नाइन्टी फाइव वाले में सही क्रम कौन सा होगा इसमें होगा अनुबंधन प्रशिक्षण अनुदेशन प्रतिपादन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है नाइन्टी फाइव का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सभी वर्ण व्याकरण सम, सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना इसको कहते हैं वर्णमाला ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आगे देखिए मिलन है ग्यो से मिलन है ग्यो कैसे बनता है ऑप्शन नंबर डी देखिए जो और ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा नेक्स्ट में पूछा गया है राम ने रावण को मारा में रावण शब्द बलाघात होने का अर्थ है इसका अर्थ है रावण को ही मारा किसी और को नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा आगे 99 नाइन क्वेश्चन में पूछा गया है शंकर शब्द कौन सा है शंकर शंकर शब्द यहां पर है चार्ज ऑप्शन नंबर सी यहां पर नाइनटी नाइन का राइट आंसर होगा लाठी चार्ज नेक्स्ट में देखिए शुद्ध एवं मानक रूप कौन सा है यहां पर चिन्ह लिखा हुआ है लेकिन शुद्ध रूप कौन सा है इसका तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका शुद्ध रूप है ऐसे लिखा जाता है चीन वन हंडर्ड वन में देखिए शुद्ध लेखन के लिए प्रथम सोपान है शुद्ध लेखन के लिए प्रथम सोपान क्या है वो है शुद्ध श्रवण ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट में पूछा गया है कठोर के लिए समानार्थक शब्द तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें कठोर के लिए समानार्थक शब्द कौन सा है वो है परुष ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर

आगे देखिए भाषा से तात्पर्य है भाषा से तात्पर्य क्या है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नही को सूल से भाव व्यक्त होता है इससे भाव व्यक्त होता है मातृभाषा का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट में पूछा गया है कक्षा शिक्षण में क्रियाशीलता का सिद्धांत उपयोगी है क्योंकि क्यों उपयोगी है क्योंकि बालक को करके सीखने में आनंद आता है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा वन जीरो नाइन में देखिए शिक्षण प्रक्रिया के प्रारूप तथा परिचालन व्यवस्था से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं छात्रों के व्यवहार में ये परिवर्तन करते हैं ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर होगा वन जीरो नाइन का आज शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक की भूमिका क्या है अध्यापक की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में है पथ प्रदर्शक की ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए uh, कक्षा से बाहर स्थित किसी स्थान का योजनाबद्ध निरीक्षण कहलाता है तो ये कहलाता है शैक्षिक भ्रमण ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर तो होगा शैक्षिक भ्रमण नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेल्व चित्रहार का वर्ण विच्छेद चित्रहार का वर्ण विच्छेद कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही वर्ण विच्छेद है चित्रहार का नेक्स्ट में पूछा गया है सूचक का समानार्थक शब्द सूचक का समानार्थक शब्द होता है घोतक ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा होगा आगे देखिए उपसर्ग. उपसर्ग क्या है, निर, उपसर्ग है. इसका में, पन, वाला, सा है? पन वाला बड़पन जो शब्द के पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है और सबसे पहले जो लगता है वो उपसर्ग होता है तो इसमें पन प्रत्यय वाला शब्द है बड़प्पन ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट में पूछा गया है वर्ग से भिन्न शब्द वर्ग से भिन्न शब्द जो है वो है पंचानन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आगे पूछा गया है ऊष्म व्यंजन कौन से हैं ऊष्म जिसमें बोलते समय मुंह से ऊष्म मुं उश्म, ऊष्मा निकलती है मतलब गर्म सांस निकलती है वो कौन से शब्द हैं वो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा आगे क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एट्टीन में देखिए शुद्ध वाक्य क्या है इनमें से चार वाक्य दिए गए हैं शुद्ध वाक्य तो वो है यह गाय का असली दूध है ऑप्शन नंबर सी ये शुद्ध वाक्य है नाइनटीन वन हंड्रेड नाइनटी में देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं मैं कारक कौन सा है अब पत्ते गिर रहे हैं तो अपादान कारक इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आगे नेक्स्ट में पूछा गया है लंबोदर कैसा शब्द है तो लंबोदर जो है यह है योग रूढ़ शब्द ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर वन का राइट right आंसर होगा नेक्स्ट में देखिए ई सोशल स्टडी वाला सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए एस वाला क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी वन यहाँ पर पूछा गया है हिंद महासागर का आकार क्या है हिंद महासागर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर बार रिपीट होता है ये हिंद महासागर का आकार है त्रिभुजाकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा और एस आकार जो है ये है अटलांटिक महासागर का अटलांटिक महासागर जो वो है वो एस आकार में है और हिंद महासागर त्रिभुजाकार में नेक्स्ट में पूछा गया है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है बाईस मार्च को और पृथ्वी दिवस बाईस अप्रैल को नेक्स्ट में देखिए इनमें से रवि की फसल कौन सी है चार फसलें दी गई हैं कपास मोटे अनाज चावल चना तो इनमें से रवि की फसल कौन सी है बिज क्रॉप इज ओ रवि क्रॉप तो चना जो है ये रवि क्रॉप है अब देखिए रवि की क्रॉप कौन सी होती है रवि क्रॉप को विंटर क्रॉप भी बोला जाता है रवि फसल जो होती है विंटर क्रॉप भी बोला जाता है जो कि अक्टूबर से मार्च तक होती है और खरीफ की जो फसल होती है उसे समर क्रॉप बोला जाता है जो जून से अक्टूबर तक वो बीजी जाती है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया अरविंद नाथ टैगोर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा और बकीम चंद्र चटर्जी बंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डिट वास्को डिगामा रीच इंडिया वास्को डिगामा भारत का पहुंचा चौदह सौ अठानवे फोर्टीन नाइनटी एट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट में देखिए हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सिक्सटी एट है आसान क्वेश्चन है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब हिमाचल में पहली बार चुनाव हुए थे उसमें विधानसभा की सीटें कितनी थी बहुत ही थर्टी सिक्स छत्तीस सीटें थी पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे एचपी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट बक्सर की लड़ाई कब हुई बक्सर की लड़ाई हुई सतारह सौ चौसठ ईसवी में ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए बिच प्लेस इज द कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ चंद्रा एंड वागा रिवर्स चंद्रा और भागा नदियों का आपस में आ, संगम किस स्थान पर होता है यह तो है तांडी नाम के स्थान पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा वन हंड्रेड ट्वेंटी एट का क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन वट वाज द शिवालिक माउंटेन नोन एज इन एनशियन टेक्स्ट प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था तो प्राचीन आ, काल में देखिए शिवालिक पर्वत को जाना जाता था मैनाक पर्वत के नाम से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शिवालिक का अर्थ क्या है शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं या शिव के गुच्छ इसी के साथ देखिए धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है धौलाधार पर्वत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था तो उसको जाना जाता था मौलाक पर्वत के नाम से काफी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में देखिए मैनाक पर्वत शिवालिक और मौलाक पर्वत धौलादार नेक्स्ट क्वेश्चन विश प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र बीनस है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा वैसे तो सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह जो है वो है बुध ग्रह लेकिन गर्म ग्रह जो है सबसे वो है शुक्र ग्रह बीनस ग्रह नेक्स्ट देखिए बीच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लिटिल लहासा भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है वो कहलाता है धर्मशाला ऑप्शन नंबर यहां पर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा वन हंड्रेड थर्टी वन का नेक्स्ट देखिए द मेन कॉज ऑफ इज़ भूकंप का मुख्य कारण क्या है भूकंप का मुख्य कारण है विवर्तनिक बल टेक्टोनिक फोर्सेस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया सॉरी वेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टाब्लिस्ड हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 25 जनवरी उन्नीस को ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी उन्नीस को तब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी इसके साथ देखिए 1971, 1971 1971 को स्थापना और भी हुई थी देखिए किस किसकी हुई थी बिजली बोर्ड की स्थापना नाइनटीन को लोक सेवा आयोग एच शिमला इसकी स्थापना नाइनटीन को हुई थी पंद्रह अप्रैल उन्नीस को हिमाचल की स्थापना हुई थी एक नवंबर 1966 को जब हिमाचल के साथ चार नए जिले जो थे जो जोड़े जो गए थे कौन कौन से कांगड़ा कुल्लू शिमला लाहौल तब हिमाचल जो था ये विशाल हिमाचल बना था एक नवंबर 1966 को नेक्स्ट क्वेश्चन हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था तो प्रथम मानचित्र बनाया था अनेग्जीवेंडर uh, ने ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए झांकी एंड हांतर फोक डांस बिलोंग टू झांकी और हांतर कहाँ के लोक नृत्य हैं तो ये लोक नृत्य हैं चंबा के ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विच प्लेस इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वीडियो लंबी जरूर है लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ईयर वाज द फर्स्ट प्राइमरी स्कूल ओपन इन केलांग किलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खोला गया था किलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय खोला गया था 1861 1861 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट में देखिए कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर टू फेमस वेराइटीज ऑफ कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन जो है दो प्रसिद्ध किस्में हैं ये हैं आलू की पोटैटो की ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट में पूछा गया द शेप ऑफ अवर नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगुलर व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ भारतीय झंडे का आकार आयताकार है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तीन अनुपात दो थ्री रेशो टू ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर और राइट आंसर है हमारा और नेशनल फ्लैग जो है इसे डिज़ाइन किसने किया था ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने किसने डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने नाइनटीन में इंडियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था और इंडियन नेशनल फ्लैग को स्वीकार कब किया गया था यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है तो इंडियन नेशनल फ्लैग को स्वीकार किया गया था बाईस जुलाई उन्नीस को ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन को इंडियन नेशनल फ्लैग को स्वीकार किया गया था चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वेयर इन हिमाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड एशिया में सबसे ऊंचा है विश्व में एशिया में सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है वो है शैल ऑप्शन नंबर यहां पर बी जो हमारा राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की परणनी ने ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट देखिए नेम द क्रिएचर विच इज नॉट अ बर्ड बट कैन फ्लाई कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है वो है बैट चमगादड़ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 142 का राइट right आंसर नेक्स्ट में देखिए हु इज द राइटर ऑफ द बुक किताब अल हिंद किताब अल हिंद के लेखक कौन है किताब अल हिंद के लेखक हैं अलबेरूनी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट में देखिए इन विच ईयर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम एम इन टू एग्जिस्टेंस सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया आर टी आई सूचना का अधिकार अधिनियम जो है अस्तित्व में आया टू थाउजेंड फाइव दो हज़ार पाँच में कई बार पूरी डेट पूछ ली जाती है तो डिटेल्स में देखिए आरटीआई जो है संसद में पास हुआ था 15 जून 2005 को 15 जून 2005 को ये संसद में पास हुआ था और लागू कब हुआ था लागू हुआ था ये 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था तो ये वाली डेट भी कई बार पूछ ली जाती है पूरी पूरी नेक्स्ट क्वेश्चन बिच फीचर ऑफ फूड इज आइडेंटिफाइड बाई द रेड एंड ब्राउन मार्क मेड ऑन द फूड पैकेट्स खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है यह दर्शाता है मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन आप, नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट में देखिए द दे कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है पत्तों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट में देखिए व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ कार्ड दांतों की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं इसे कहते हैं एनिमल ऑप्शन नंबर ए एनिमल राइट आंसर नेक्स्ट में देखिए विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा राइट right आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और एक देश भी है और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप नेक्स्ट में देखिए विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो है रेणुका झील जो कि सिरमौर जिले में है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है और सबसे बड़ी जो मैन मेड झील जो वो है है वो गोविंद सागर झील जो कि बिलासपुर में है आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड भारत का संविधान कब लागू हुआ था भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा और 26 नवंबर उन्नीस को ये भारत का संविधान जो था अपनाया गया था कब 26 नवंबर उन्नीस को अपनाया गया था लेकिन लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली